सागर स्थित महार रेजिमेंट केंद्र में रेजिमेंट के कोर्स 142 के नौ सैनिक की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में 94 नौ सैनिकों ने तिरंगे के समक्ष राष्ट्र सेवा की शपथ ली। परेड का आयोजन रेजिमेंट के अनुसुईया प्रसाद परेड ग्राउंड में किया गया। 34 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के उपरांत नौ सैनिकों की यह परेड आयोजित की गई थी। नौ सैनिकों की भव्य परेड के बाद महार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य यश सिद्धि गुंजायमान हो उठा। इन युवा सैनिकों की आज की पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि कर्नल प्रदीप चौबे डिप्टी कमांडेंट महार रेजिमेंट केंद्र थे, जिन्होंने परेड की सलामी दी। केंद्र के कमांडेंट द्वारा प्रशिक्षण अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नौ सैनिकों को विशिष्टता मेडल प्रदान किए। इस आयोजन में सेना के अधिकारियों सैन्य प्रशिक्षु के अलावा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नौ सैनिकों को वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के प्रति आगाह करते हुए निस्वार्थ भाव से सतर्कता पूर्वक सैन्य कर्तव्य पालन हेतु प्रेरित किया। उन्होंने केंद्र में रिक्रूटों को दिए जाने वाले उच्च प्रशिक्षण के प्रति संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी सुनाई। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देश मेरा चप्पा चप्पा मेरा शरीर, तेरा जल मेरा मन है, तेरी वायु मेरी आत्मा है। चल रहा है ये चौथा कदम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही पंकज कुमार। और पीछे आप देख रहे हैं संगीत के मनमोहक स्वरों को बिखेरता हुआ हमारा बैंड, इस तरह कर रहे हैं सूबेदार टीवी गुरुंग और साथ में खबरदार राजीव कांबले। बड़ी खूबसूरती के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है ये लीडिंग कॉलम, इसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही नीरज देवी। बड़े जोश के साथ आगे बढ़ता एक कॉलम दूसरा है, जिसका सफल नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही जॉनसन से। और बीच में है तुम वीर तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े, प्रभात हो कि रात हो संजय हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो चंद्र से आगे बढ़ो वीर जवान तो भारत के नाम हो, आगे बढ़ो वीर जवान क्या शत्रु के पार करो, माटी की देन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक केंद्र रहा, आजादी के संघर्ष की पहली मशाल सुलगाने वाले बुंदेलखंड के रणबांकुरों को इतिहास के पन्नों पर स्थान तो नहीं मिला, लेकिन उनकी वीरता की तस्दीक फिरंगियों ने भी की थी। सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह से 15 साल और कोर्स 142 के नव सैनिक, ये मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि आज आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर मुझे परेड की समीक्षा करने का सम्मान मिला है। मैं इस मौके पर नव सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वालों सैनिकों का अनुशासन टर्नआउट तथा मार्चिंग अव्वल दर्जे का था, इसके लिए मैं आप सभी नव सैनिकों को शाबाश देता हूं। आज का दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। आज से आप सभी महान भारतीय सेना के अंग बन चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रखेंगे। जहां एक और सैनिक जीवन गर्व सम्मान और मर्यादा की प्रतिरूप है, वहीं दूसरी ओर यह कठिनाइयों खतरों और चुनौतियों से भरा हुआ होता है, लेकिन वफादारी ईमानदारी भरोसा और आपस में मिलजुल कर काम करने से ये कठिनाइयां और खतरे दूर हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि महार रेजिमेंट का इतिहास संघर्ष बलिदान और शौर्य गाथाओं से परिपूर्ण है।
कि हमारी रेजिमेंट के सुबेदार अमित पंगाल बॉक्सिंग के क्षेत्र में और नायक सुबेदार अभिलाष सावले एथलेटिक्स के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं और ओलंपिक्स में भाग भी ले रहे हैं। देश की वर्तमान स्थिति आप सब जानते हैं, जम्मू और कश्मीर नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल या किसी भी पुलिस स्टेशन में दुश्मन की कार्रवाई कहीं भी संभव है। हर एक जवान को हमेशा सतर्क और तैयार रहना आवश्यक है ताकि मौका मिलने पर दुश्मन को भूतोड़ जवाब दिया जा सके। ऐसे ही परिस्थितियों से निपटने के लिए आपने कठिन सैन्य परीक्षण प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी महार रेजिमेंट के महान शूरवीरों मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, परमवीर चक्र सुबेदार सुरेश चंद्र यादव, अशोक चक्र सुबेदार कृष्ण सोनवने महावीर चक्र और कर्नल जी एस सांगा महावीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल पी एस गणपति महावीर चक्र और अमर शहीद सिपाही अनुसुईया प्रसाद महावीर चक्र एवं अन्य कई शूरवीर से प्रेरणा लेते हुए उन्हें आदर्श मानकर चले, जिससे आप भविष्य में रेजिमेंट सेना और देश का नाम रोशन कर सके। देश और रेजिमेंट की आन बान और शान सदैव ऊंची रहे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।